हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम एस। मैं एग्जाम अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो इफ यू आर न्यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस टाइप के वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और यहाँ पे IIT JAM, गेट, नेट और इन सबसे रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे समय समय पर दी जाती है। IIT JAM से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज चैनल पर विजिट करें और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। नाउ बात करते हैं यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ एटी, कॉस ऑफ एटी। व्हेन टी इज मल्टीप्लाई विद द फंक्शन देन हाउ कैन वी सॉल्व द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट फंक्शन। बेसिकली बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो आई वॉन्ट टू शो दी ऑल फार्मूलाज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑल फार्मूलाज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो, वील यूज दिस लाइक वील यूज दिस फार्मूला इन टू अवर क्वेश्चन। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू साइन ए टी। बेसिकली हम यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि जिनके साथ में ऐसा फंक्शन, बेसिकली ये इस टाइप का फॉर्मेट है, ऐसा फंक्शन जिनके साथ में टी पावर में कुछ भी हो वो मल्टीप्लाई हो रखा है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन बाय टी। जब भी ऐसा गिवन होता है तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, माइनस वन पावर एन डी बाई डी डी टू बाई डी एस स्क्वायर, यानी कि सॉरी नॉट डी टू डी एन बाई डी एस पावर एन एंड एफ बार एस। इट मीन्स द लाप्लास ऑफ दैट फंक्शन, उसका आपको एन टाइम डेरिवेटिव करना है विद माइनस वन पावर एन। ओके, अब सिंप्लीफाई अगर मैं सिंपली बात करता हूँ तो यहाँ पे वन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड दैट इज नोन एज द मल्टीप्लीकेशन बाई टी। ओके, बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी लाइक वी कैन सॉल्व दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाई लाइक लाप्लास ऑफ टी साइन ऑफ ए टी हेयर कैन राइट एन इज इक्वल्स टू वन, इट मीन्स माइनस वन पावर वन डी बाई डी एस एंड लाप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी, एंड द लाप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी इज नथिंग बट ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो बाई डेरीवेटिंग दिस थियोरम बाई डेरीवेटिव डी बाई डी एस ए बाहर आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड अगेन डेरीवेटिव दिस अगेन taking derivative like that is 2s. So basically ये क्या हो जाएगा, minus minus plus 2as upon s square plus a square, this is the answer. इस टाइप से हम इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको ऐसा मिल जाए हाइपरबोला मिल जाए, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक at मिल जाए, देखो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप क्या करो सीधा साइन हाइपरबोलिक at का फार्मूला, लाइक इट इज द बेस्ट थिंग, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक इज इक्वल टू a upon s square minus a square, it is the simple thing. But if you want to use like first shifting theorem also in this theorem, like we can write sine hyperbolic a t is equals to e to the power a t minus e to the power minus a t over 2, and ये यहाँ पर रख के आप इसको first shifting theorem से भी कर सकते हैं, क्योंकि t power n जो है उसका लाप्लास हमारे पास में होता है n factorial upon n plus 1, और बस आपको कुछ नहीं करना है, इस s की जगह पे s minus a से replace करना है, लाइक ये दोनों फार्मूला यूज करके भी आप कर सकते हो, अदरवाइज ये तो सिंपल है चीज़ है ये। हम बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं, लाइक ये तो चलो आप कर ही लोगे, एक काम करते हैं, ये तो चलो आप कर ही लोगे, बिल्कुल सिंपल है s, ये तो सिंपल इसी टाइप का हो गया ना, वो एक बार डेरीवेटिव करना है। बट अगर आप इससे करना चाहते हो तो कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ टी इंटू साइन हाइपरबोलिक, तो e टू द पावर ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी अपॉन टू। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ टी इंटू ई टू द पावर ए टी वन बाई टू बाहर आ जाएगा, माइनस लाइक टी ई टू द पावर माइनस ए टी। अब देखो यू हैव टू चांस, फर्स्ट थिंग इज दैट आप यहाँ पे ई टू द पावर ए टी का लाप्लास यूज करके उसमें डेरिवेटिव वाला थ्योरम यूज कर सकते हैं, इट मीन्स वन बाई टू बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन पावर वन डी बाई डी एस एंड ई टू द पावर ए टी का होता है वन अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, एक तो ये काम कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर सकते हो, यहाँ पे कितना पावर है वन, तो ये हो जाएगा वन फैक्टोरियल अपॉन एस पावर वन प्लस वन, और एस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, इट मीन्स एस पावर वन प्लस वन।
सेम थिंग इज दैट, कुछ कोई चेंज नहीं है इसमें। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, अगर टी मल्टीप्लाई में करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वन पावर वन, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एस, और ई टू द पावर ए टी का लाप्लास होता है एस माइनस ए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो एक में हमने ये यूज कर लिया, एक में हम वो यूज कर लेंगे। चलो एक काम करते हैं, अगर अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, माइनस वन पावर एन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई एस माइनस ए, सॉरी डी बाई सॉरी डी बाई डी एस, और ये हो जाएगा अगेन वन अपॉन एस प्लस ए, एस प्लस ए क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पड़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन बाई टू, और ये हो जाएगा माइनस, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एस सिंप्लीफाई, माइनस वन अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करने पर ये भी हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वन अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा वन बाई टू, और यहाँ से मिलेगा आपको वन अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर, और इसको आप पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ तो हो गई है, अब दूसरी चीज़ क्या होगी, सीधा क्या करो आप यहाँ से इस वाले को यूज़ कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा टी इंटू साइन हाइपरबोलिक ए टी, बिल्कुल सिंपल है ये तो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो क्या कर देंगे माइनस वन पावर वन डी बाई डी एस, साइन ऑफ हाइपरबोलिक ए टी का जो होता है वो ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इज वेरी सिंपल। इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो ए बार आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड आगे क्या हो जाएगा, ये टू एस बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू ए एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। ठीक, ये सिंपल सा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड यार, यहाँ पे भी तो इसका होल स्क्वायर आएगा, सॉरी फॉर दैट, करेक्ट करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस करेंगे ना तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसको भी यहाँ पे स्क्वायर कर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कॉस ऑफ ए टी का तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ पी कॉस ऑफ ए टी, इट मीन्स माइनस वन पावर वन डी बाई डी एस, और कॉस ऑफ ए टी का होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एस का करेंगे तो वन हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस एस एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा टू एस। ओके, सो वी कैन राइट एस स्क्वायर माइनस टू एस, तो बेसिकली इट विल बी द एस स्क्वायर माइनस टू एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड दैट विल बी द एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज फॉर यू, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। आप किसी से भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक जो ए टी का फार्मूला होता है ई टू द पावर ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी अपॉन टू, या फिर आप यहाँ पे इसका ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं लाप्लास का, दैट इज एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई सा भी फार्मूला यूज़ करके, कोई सी भी थ्योरम यूज़ करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एम एस मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।